अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू लव पाक रेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेन के ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में। जब ड्राइवर हजरात ट्रेन को ब्रेक लगाते हैं तो कितनी दूर जाके अपनी एक्यूरेट यानी एग्जिट पोजिशन पर रुक जाती है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिले। दोस्तों, ट्रेन को कितनी दूर पहले से ब्रेक लगाया जाए यानी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ब्रेक लगाने के लिए ताकि वो अपनी एक्यूरेट पोजिशन यानी एक्यूरेट पॉइंट पर जाकर रुक जाए, इसके लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन उनमें से 5 से 6 मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आती है ट्रेन की स्पीड यानी उसकी रफ्तार, उसके बाद लोड, उसके बाद तीसरे नंबर पे है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं चढ़ाई उतराई। चौथा है हमारा टाइप ऑफ लोकोमोटिव यानी इंजन की टाइप। पांचवा है एयर ब्रेकिंग और छठे नंबर पे है हवा का दबाव। ये सब डिपेंड करती हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस पर। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों के अलग अलग होते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस दो तरह के होते हैं यानी नॉर्मल सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इन सभी बातों की ट्रेनिंग लोको पायलट को दी जाती है तभी वो परफेक्ट तरीके से ट्रेन को इसकेप एक्यूरेट पॉइंट पर रोकते हैं। और जनरली ब्रेक डिस्टेंस 900 मीटर से 1000 मीटर तक कंसिडर करते हैं, यानी 900 मीटर और 1000 मीटर पहले से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ट्रेन अपने एक्यूरेट पॉइंट पर रुकेगी। अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर है, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड इससे ज़्यादा है 120 किलोमीटर पर आवर है 125 किलोमीटर पर आवर है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 1600 मीटर है। लेकिन अमूमन हमारी कंट्री में इतनी स्पीड पर ट्रेन नहीं चलती, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जहाँ इतनी स्पीड एप्लीकेबल है तो उन सेक्शन में इतनी स्पीड पर डबल डिस्टेंस सिग्नल्स लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डिस्टेंस है यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस 1600 मीटर है, यानी 1600 मीटर पहले से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ट्रेन अपने एक्यूरेट पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि ड्राइवर हजरात ट्रेन को कितनी दूर पहले यानी कितने डिस्टेंस पहले ब्रेक अप्लाई करें तो ट्रेन अपने एक्यूरेट पॉइंट पर रुकेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह मालूमती वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।